हेलो दोस्तों, नीट 2025 होने में अब सिर्फ 202 डेज ही बाकी है और कल मैंने अपना पहला ऑफलाइन टेस्ट दिया जो कि एलएन का था। टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया दोस्तों। सच बात तो यह है कि मुझे और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, पर मैं आगे कोशिश करूँगा मेहनत करने की। मेरा टेस्ट में फिजिक्स तो बहुत बेकार गया, केमिस्ट्री ठीक ठाक ही गया, लेकिन बायोटनी भी ठीक ही ठाक, जूलॉजी थोड़ा सा अच्छा गया, डायग्राम और थोड़ा सा मेहनत करना था उस पर, लेकिन होया नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टेस्ट में और भी बेहतर करूँ पहले से। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई, मैं फार्मूलास में रिकॉल कर ही नहीं पाया, बहुत सारा पढ़ के भी मैं बहुत चीज़ भूल गया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टेस्ट था और बहुत मेरे सेंटर मेरे घर से दूर भी था। तो गाइज, अगला टेस्ट मेरा 27 अक्टूबर का है जिसका सिलेबस ये है, बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 2 और फिजिक्स के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो उसी के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगा और मैं मेरा नेक्स्ट 2 डे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, वर्क एनर्जी पावर का थ्योरी रिवाइज करना है, बायोटेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1 जो मेरे करंट बैच में करंट जो चल रहा है, और कल भी मैं वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का 1 शॉट रिविजन देखूँगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2-3 क्योंकि मेरा करंट बैच में भी बहुत सारा बैकलॉग हो रहा है। तो लेट्स स्टडी गाइस। तो फाइनली दोस्तों, मेरा आज का गोल कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1 किया जो कि मेरे करंट बैच में बहुत सारा बैकलॉग हुआ था, और मैं कोशिश करूँगा कि बैकलॉग ना हो, दोनों चीज़ को बैलेंस करूँ और टेस्ट का जो सिलेबस उसे बार बार रिवाइज करूँ। आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बताइए, स्टडी की रिकॉर्डिंग भी मैं उसे ज़रूर सही करूँगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।